आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जिनका जीवन चरित्र अद्भुत पराक्रम का परिचायक है, कृष्ण जो अपनी बाल छवि से लोगों का मन मोह लेते हैं, वहीं कुरुक्षेत्र में भयभीत अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर मोह भय जैसी सभी विसंगतियों को त्याग कर कर्म का पाठ भी पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण और गीता की ये सीख जीवन जीने और उसे सार्थक बनाने के लिए उतनी ही जरूरी है जैसे शरीर के लिए सही भोजन। कृष्ण के इन्हीं आदर्शों और उनके जीवन की सीख को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक गांव को चयनित करके उसे बरसाना गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों के माध्यम से भगवान कृष्ण के जीवन आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जन जन तक किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इन गांवों में दुग्ध उत्पादन और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के हर एक नगरीय निकाय में गीता भवन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 अगस्त रविवार के दिन इंदौर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में बरसाना गांव के विकास की घोषणा की। इंदौर में आयोजित हर बालक कृष्ण हर माँ यशोदा की थीम पर ये कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का देश में अपनी तरह का पहला ऐसा आयोजन था। इस कार्यक्रम में 5000 से ज़्यादा बच्चे, बाल गोपाल और इतनी ही माताएं माँ यशोदा के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मटकी फोड़ से लेकर श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण भी किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारी सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर घर कृष्ण बने, हर माँ यशोदा बने, तो हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर स्थान पर नगरी निकाय के माध्यम से गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है। गीता भवन बनते ही हमारी धार्मिक सभी प्रकार की गतिविधि चलने के साथ ज्ञान चर्चा, परिचर्चा, साहित्य चर्चा, सब प्रकार के विचार विमर्श के केंद्र ये गीता भवन बनेंगे। और गांवों के अंदर भी अपने यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है, तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक गांव हमारा बरसाना के नाते से जाना जाएगा, गोकुल बरसाना नंद बाबा के गांव की तरह, जहां पर अपने गांव में सभी आदर्श स्थापित किए जाएंगे जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति फिर पुष्पित पल्लवित हो, फिर उसको लोग समझे जाने, जहां पर हमारे अपने बुजुर्गों का सम्मान हो, सभी प्रकार के हमारे सुशासन के प्रतीक स्कूल, खेल के मैदान, दूध के लिए गौशाला, गांव-गांव में आमदनी का रास्ता और संस्कार की पाठशाला, सभी व्यवस्था स्थापित हो।